Hi friends, welcome to my channel and this video is about bottle painting. First step, हम bottles को wash करेंगे and उसको 24 या 48 hours तक रहने देंगे जिससे ये साफ हो जाए और जो labels लगे हैं वो निकल जाए. So I'm going to color this beer bottle और इसके लिए मैं use करूँगी acrylic colors. एंड बिकॉज इस पर जो ग्लास कलर्स है बियर बॉटल्स पे इतना अच्छा नहीं जाता, प्लस ये स्टिकी भी हो जाता है एंड कलर भी निकल के नहीं आता. सो मेरे पास डॉट पेंटिंग टूल्स है एंड देन ब्रशेस है और बंच ऑफ कलर्स है. सो आई विल बी यूजिंग देख के कि कौन से कलर इस पर सूट करते हैं, बिकॉज सारे कलर्स ना बॉटल ग्रीन कलर के साथ सूट नहीं करता, मैच नहीं करता. बट कलर्स लाइक दिस स्काई ब्लू, पिंक, देन येलो और वाइट कलर्स इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. सो लास्ट में मैं शाइन देने के लिए ये वार्निश कलर्स यूज़ करूँगी. सो मेरे पास स्प्रे पेंट्स भी है, बट आई थिंक कि बॉटल बियर बॉटल के लिए मुझे स्प्रे पेंट्स यूज़ करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपके पास डॉट पेंटिंग टूल्स नहीं है तो आप टूथपिक या ईयरबड्स यूज कर सकते हैं. पेंटिंग है डॉट पेंटिंग ट्री टाइप से मैं बना रही हूँ. ये बहुत इजी है, देखिए मैंने इस पर भी बनाया है एंड आप इजीली बना सकते हो इसको और ये बहुत सुंदर भी लगता है टू बी ऑनेस्ट विथ यू. और मैं इसको भी बनाने जा रही हूँ. डिफरेंट शेड्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें येलो, गोल्डन और ऑरेंज का शेड लिया है. मे बी हो सकता है आगे जाके पिंक एंड स्काई ब्लू भी इसमें इसे पेंट करूं. और इस पर भी मैंने गोल्डन कलर लिया था, पिंक, वाइट और स्काई ब्लू से बनाया था. सो देखते हैं ये पूरा कंप्लीट होके कैसा लगता है. सो बाय द वे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और इसको भी कंप्लीट कर लिया है एंड ये एक बन रहा है. सो इस पर भी मैं डॉट पेंट करूँगी. इसका बेस जो है वो क्रिएट हो गया है. इसको मैंने इसी टाइप से बनाना है जैसे ये बना हुआ है. सो इसके सूखने के बाद ग्लास पेंट का एक बॉर्डर बनाया है जो मैंने. इस डिज़ाइन के सूखने के बाद इस पर मैं कलर करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप लोग अपने फीडबैक प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिएगा. ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.